नमस्कार, शशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई डिश लेके आए हैं, गट्टे की सब्जी या टके पैसे, जिसको बेसन की सब्जी भी बोलते हैं और राजस्थान में इसको गट्टे की सब्जी बोलते हैं और हम लोग इसको टके पैसे की सब्जी बोलते हैं हमारी तरफ। तो हमने इसके लिए बनाने के लिए, देखिए, दो बाउल जो है हमें इसमें बेसन लिया हुआ है और ये थाली में मैंने बेसन ले कर रखा हुआ है इसमें। और अब मैं ये इसमें देखिए क्या क्या डालती हूँ। तो ये बेसन में मैं इसमें थोड़ी सी जो हूँ, ये मैंने दो बाउल लिया, आप जितना चाहे उतना टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं अपने, आपके जितने ज़रूरत हो घर में। मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग और रेड चिली और थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने चाहे डालिए। और मैं तो कम खाती हूँ इसलिए कम डाल रही हूँ और थोड़ी सी इसमें सब्जी मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है उससे। और अब ये इसमें हम आधा चम्मच के करीब मैं इसमें गर्म मसाला डालूँगी और आपको जितना डालना हो, वैसे मैं थोड़ा ही डालती हूँ, कुछ ज़्यादा बहुत मसाले अच्छे नहीं लगते। तो इसमें आधा चम्मच मैंने करीब जो है वो गर्म मसाला डाला हुआ है इसमें। ये देखिए घर का बनाई हुआ हमारा गर्म मसाला है, ये मैं घर में ही बनाती हूँ इसको। और इधर जो है मैंने इसको मिक्स कर देंगे, जिससे कि सारा जो हमने डाला है सब इसमें मिक्स हो जाए, जितना भी मैंने हल्दी मिर्चा सब डाला है सब इसमें मिक्स हो जाएगा। और इसका मुझे एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो सॉफ्ट डो तैयार करने के लिए अब हम इसमें, ये हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैं करीब एक चम्मच डालूंगी बड़ा। आपके पास ना हो तो आप घर में भी पीस के डाल सकते हैं, गार्लिक और जिंजर को पीस के डाल सकते हैं, पर मेरे पास बना हुआ था तो मैंने डाल दिया। और इसको इसमें थोड़ा सा मैं दो बड़ा चम्मच टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल डाल दूँगी अंदर, जिससे ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत मुँह में घुलने वाले जैसे बन जाते हैं। तो थोड़ा सा अंदर इसमें हम मोइन डाल देते हैं और इसमें हम एक पिंच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक पिंच बेकिंग सोडा डाल देंगे या खाने वाला सोडा जो हम घर में रखते हैं वो, इसमें एक पिंच डाल देंगे इसके अंदर। और ये इससे डालने से काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे बन जाते हैं ये। तो अब इसको डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी अभी और इसका डो, सॉफ्ट डो तैयार करूँगी। तो इधर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये और इलायची बड़ी वाली जावित्री, ये लेके रखी हुई है, इसको हम पेस्ट बनाएंगे मसाला। और दालचीनी को और उस जावित्री को नहीं पीसेंगे। और इधर मैंने एक पानी रखा हुआ है भगोने में, देखिए, और इसको पानी बॉयल्ड हो रहा है, इस बॉयल्ड पानी में हमें अपने गट्टे डालने हैं। तो ये देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके इसका डो तैयार करूँगी। तो उसका रोटी का जैसा नहीं, पूरी जैसा भी नहीं, जैसे हम लोग पराठे का डो तैयार करते हैं उस तरह का बनाते हैं, क्योंकि बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, ये तो बनाने में नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से देखिए इसका हमने ये इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे एक। ये देखिए तैयार हो गया सॉफ्ट डो मेरा और मैं इसमें ज़रा सा ऑयल लगा दिया है, तो जिससे ये अच्छे से चिकना हो गया है और पूरा बेसन बढ़िया से हो गया। आप चाहें तो 10 मिनट रेस्ट पे रख सकते हैं और चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं इसको। और अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसके गोल गोल जो है वो गट्टे बनाएंगे, या हम लोग टके पैसे कहते हैं वो बनाएंगे। तो हमने ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए दो तरीके से बताया है। ये लोई है मैंने ऐसे लेके बेली है, पर ये चिपकने लगी तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाया है जिससे कि चिपके ना। तो हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाने से ये नहीं चिपकेगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा ले रही हूँ, तो मैं तो ऐसे ही बना रही थी लेकिन वो बन नहीं रहा था, तो थोड़ा सा रिफाइंड लगाएं, देखिए बढ़िया से बिल जा रही है। अब थोड़ा चिकना हो जाएगा तो अच्छे से बिल जाता है, ये देखिए बिल रहा है। हाँ देखिए अच्छी सी हमारी छोटी सी पूड़ी बन गई। तो ये जो पूड़ी बन गई है इसको हम रोल कर देंगे तो ये हमारा गट्टे बन जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे हम इसको रोल कर रहे हैं, ऐसे 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 भी आप, ये तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए और यहाँ से इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए, और नहीं तो फिर हाथ से ऐसे लीजिए और लंबे पतले पतले ऐसे बनाते जाइए, तो जैसे आपको अच्छा लगे। मैं तो थोड़े छोटे बनाए, आप थोड़े इससे मोटे भी बना सकते हैं। और इस तरह मैं अपने सारे ये गट्टे बना लूँगी, ये देखिए मैं सारे इस तरह से। या उधर पानी बॉयल हो रहा है, मेरे सारे गट्टे बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए सारे बन गए हैं। और अब मैं इसके अंदर इसको डालूंगी, लेकिन एक एक करके दो दो करके डालिएगा, इकट्ठा नहीं डालिएगा नहीं तो टूट जाएंगे ये। और इसका चेक करने का तरीका ये बनने का कि ये पानी से ऊपर आ जाते हैं फूल के, अभी देखिए पानी के अंदर हैं फिर पानी के ऊपर आ जाएंगे ये फूल के, तो ये चेक हो जाता है कि हमारे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बने हैं ये।
तो ये देखिए मैं सारे इसमें एक एक करके डालती जाऊँगी, और कम से कम इसको 20 मिनट लग जाता है पकने के लिए। इसको मैं ढक भी दूँगी, और ढकने के बाद थोड़ा खुला रखिए, पानी भी निकलता है। और इधर मैंने तेल रखा कढ़ाई में, तेल डाला हुआ है, 2 बड़ा चम्मच तेल डाला है। और इधर मैंने 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच मिर्चा और नमक लिया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मिर्चों को बढ़ा सकते हैं। और इधर मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट बना लिया था, और दालचीनी और जावित्री मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ी सी इसमें हींग डालूंगी। हींग से क्या होगा कि ना बेसन है वो डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। और अपना ये मसाला जो मैंने पीसा था प्याज वाला, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के घोल कर डाल दूँगी, जिससे कि जो लगा हुआ मसाला है वो भी हमारा कढ़ाई में चला जाए। इसको मैं चारों तरफ से मिक्स करके कढ़ाई में डाल दूँगी, और इसको थोड़ा सा ये भी देखिए इसमें भी लगा, ये भी डाल रही हूँ, और इसको देखिए इसमें ये चला दूँगी थोड़ा सा। तो थोड़ा सा पहले प्याज भून जाएगा, कि प्याज टमाटर अदरक लहसुन और काली मिर्च और लौंग में पिसी हुई है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये उधर देखिए गट्टे भी हमारे पानी के ऊपर आ गए हैं देखिए, और इसके मतलब अभी वो बन रहे हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम है, अभी थोड़ा कच्चापन है उसमें, वो छू के देखने से पता चल जाता है। ये देखिए मसाला है, मैं डायरेक्ट नहीं डालती, मैं पानी में घोल के डालती हूँ। इससे पानी में घोल के डालने से मसाला का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, और कच्चापन भी नहीं रहता है मसाले में। तो मैं अक्सर सब्ज़ी में मसाला घोल के ही डालती हूँ, और वैसे भी लोग डाल देते हैं लेकिन मैं नहीं डालती, मैं ऐसे ही पसंद करती हूँ। और अब इसको चलाऊँगी और मसाला भुनेगा ये। इधर हमारा मसाला भुन रहा है, उधर हमने क्या किया गट्टे को पानी से बाहर निकाल लिया, देखिए बन गए हैं। तो छू के देखिए अपने आप आपको दिख जाएंगे पके हुए। अब 20 मिनट तो लगता ही है इसमें। अब मैं इसके उधर मसाला भुन रहा है ये देखिए, और इधर मैंने क्या करेंगे कि गट्टों को, और उधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल और डाला है, जिसके मैं इसको सैलो फ्राई करूँगी। तो अब गट्टे के जो बनाए मैंने के छोटे छोटे टुकड़े करूँगी, जैसे टुकड़े बड़े छोटे आप जैसे करना चाहें। तो इस तरह से मैं ये इस तरह से सारे में इसके टुकड़े करके इसको थोड़ा सा सैलो फ्राई करूँगी। सब हो गए हैं, कट गए हैं। अब मैं इसको सैलो फ्राई करने के लिए तेल में डाल दे रही हूँ सारे, क्योंकि बहुत मुझे डीप फ्राई करना नहीं है, इसलिए मैं पूरे एक साथ डाल दे रही हूँ इसमें, और थोड़े थोड़े करके डाली, जिससे ये बहुत सॉफ्ट हैं तो इसे टूट ना जाए, क्योंकि हार्ड नहीं है ये। तो इसको हल्के हाथ की कलछुली से भी चलाना पड़ेगा, और अब मैं इसको बहुत हल्के हाथ से चलाऊंगी, नहीं तो ये टूट भी सकती है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा ये। आपके घर में कभी सब्ज़ी ना हो घर में, तो बेसन की सब्ज़ी आप बना सकते हैं और अपने गेस्ट के आगे रख सकते हैं। ये देखिए मैंने स्लो फ्राई कर लिया है, उधर मेरा मसाला भी भुन गया है, और जो मेरा मसाला भुन गया है उसमें इसको हम डाल देंगे, इनको मसाले में इनको मिक्स करेंगे। तो देखिए मसाला पूरा भुन गया, तेल छोड़ दिया मसाले ने, और इधर मैं इसको इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए अब इसको मिक्स कर देंगे, धीरे धीरे मिक्स करेंगे, जिससे कि ये मसाला इसमें हर सब में चारों तरफ से मसाला लग जाए इसमें। और मैंने वो पानी जो गट्टे का था वो फेंका नहीं था, उसको इकट्ठा करके रख लिया था, क्योंकि वो बेसन का ही तो पानी था पका हुआ, तो उसको तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने रख रखा है, और मैं थोड़ा सा पानी इसमें ये डाल दूँगी इसमें, ये देखिए रखा। बाद में आपको तरी की बनानी होगी है, तो आप तरी के बनाने के लिए भी ये पानी यही यूज़ करिए, अलग से पानी मत डालिए, क्योंकि ये इसमें तो पूरा आपका बेसन का घोल मिक्स है इसमें। तो अब देखिए ये मिक्स कर रहे चारों तरफ से, इसको मिक्स कर लेना है। और मैं घर में थोड़े सूखे ज़्यादा सबको पसंद है, तो मैंने सूखे ज़्यादा निकालूंगी और थोड़े गीले कम बनाऊँगी। तो तरी वाले के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के तरी कर दूँगी, और बाकी मैं सूखे निकालूँगी प्लेट में। तो दाल के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप उसको दाल के साथ भी खा सकते हैं सूखे, लेकिन ऐसे भी पूरी पराठे के साथ ही बहुत अच्छा लगता है ये। तो अब देखिए ये तैयार हो गए हमारे, हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो सूखे हैं निकाल लेंगे, और तरी करने के लिए मैं थोड़ा वही वाला पानी इस्तेमाल करूँगी। और ये देखिए मैंने पानी डाल के वो तरी वाला बना लिया है, और इधर मैंने ड्राई निकाल लिए हैं। तो ये आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बहुत ही देखिए रस्से वाले देखिए कितने अच्छे बने हैं ये, और आप और करीब बढ़ाना चाहते बना लीजिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, छू के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने तो मुँह में घुलने वाले बने हैं एकदम ये। और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आपको ये कैसे लगे, और हमें इसको जो हमने इसको नया नाम हमारा है टके पैसे, क्या आपने कहीं सुना है इसको? और हमारी तरफ इसको टके पैसे ही बोलते हैं। तो ये और गट्टे की सब्ज़ी आप लोग बोलते हैं, तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी बना हुआ है। और घर में सब्ज़ी ना हो तो उसको बना सकते हैं। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो के लिए नमस्कार।